बिद राम जी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगा फ्रूट कस्टर्ड सेमिया। उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और सेमिया ज़्यादा नहीं लिए, बिल्कुल थोड़ा सा सेमिया लिया है। और 2 बड़े चम्मच मैंने चीनी के लिए हैं। केला को मैंने बारीक काट लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम और काजू और अंगूर लिए हैं और सेब को बारीक काट लिया है। और मैंने कुछ अलग से दूध रखा है ठंडा, ये गर्म नहीं करूँगा क्योंकि इसमें जो वनीला कस्टर्ड पाउडर है वो ठंडे में ही मिलाना पड़ेगा। दूध गर्म करने के लिए मैं ये एक कढ़ाई रख दिया है, जो 1 लीटर दूध है वो इसमें उबलने के लिए रख दिया है। एक मैंने और छोटा कढ़ाई ले लिया है, तो इसमें थोड़ा सा देसी घी मिला दिया मैंने, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट है ना वो पहले इसी में ही थोड़े फ्राई कर लूंगा। हल्के से जितने करने से होगा फ्राई, ज्यादा फ्राई नहीं करना, इसको मैं निकाल लेता हूँ। जो ये घी बचा हुआ है इसी में जो सेमिया है थोड़ी हल्की सी दूध में उबाल आ गया है। तो जो सेमिया मैंने रोस्टेड किया था वो सेमिया इसमें अभी मिला दूंगा। अभी थोड़ी देर इसको पकने दूंगा सेमी को। जो सेमियाँ हमारी हैं वो पक गई हैं, जो मैंने चीनी ले रखा है अभी चीनी इसमें मिला दूंगा। जो मैंने दूध रखा वो थोड़ा था थोड़ा ठंडा, तो उसमें 2 चम्मच मेरे पास वनीला कस्टर्ड पाउडर है, 2 चम्मच इसमें मिला दूंगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। और जो कस्टर्ड पाउडर है वो थोड़ा थोड़ा जो मैंने घोल के रखा दूध में थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगा। इसको 4-5 मिनट तक पकने दूंगा ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है वो भी पक जाए। कस्टर्ड पाउडर मिलाते ही जो दूध है वो भी काफ़ी थिक हो गया है, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। वो आधे इसमें मिला दूंगा, आधा मैं बाद में गार्निश के लिए रख लूँगा। तो हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो इसका मैं अभी गैस का फ्लेम बंद करूँगा और इसको थोड़ी देर ठंडा करके जो फिर फ्रूट सब काटे हुए ना फिर इसमें थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर फ्रूट मिलाऊँगा। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, जो भी फ्रूट काटे हुए हैं वो इसमें सभी फ्रूट मिला दूँगा। कस्टर्ड से दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है और बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी इनको सर्विंग ग्लास में डालूंगा। बिल्कुल रेडी है सेवियन फ्रूट कस्टर्ड। अभी थोड़ा इनको फ्रूट लगा के गार्निश कर दूंगा। फ्रूट कस्टर्ड सेमियाँ बिल्कुल तैयार ने, बहुत ही अच्छी बनी ने। तुसी भी अपने घर के विच इस तरह ही बनाने की ट्राई कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, तो मेरे चैनल को सबसक्राइब भी जरूर करना और बैल का बटन दबा देना ताकि कोई भी मैं नवा वीडियो बनावा उसका नोटिफिकेशन भी तुहानू मिलता रहे।